नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, दीपावली महापर्व के पहले दिन धनतेरस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दाहोद इंदौर रेल परियोजना के बारे में हम आपको लगातार जानकारी समय समय पर ग्राउंड अपडेट्स के साथ में देते आ रहे हैं। आज भी इस लाइन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके एक बड़े हिस्से को डाइवर्ट करने की जो कार्यवाही थी उस पर रेलवे कार्य शुरू कर चुका है। कुछ हिस्से पर सरकारी जमीन जो उनके पास में उपलब्ध है उस पर पुल पुलिया बनाने से संबंधित टेंडर पूर्व में निकाल दिया गया था। इसके पश्चात में अर्थवर्क करने से संबंधित भी टेंडर निकाल दिया गया था, लेकिन जो डाइवर्टेड सेक्शन है हमारा धार से लगा के तिरला और अमझेरा वाला, इस हिस्से में अभी भूमि अधिग्रहण पूरी तरह से नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ ज़मीनें जो छोटा उदयपुर धार रेलवे लाइन का एंड पॉइंट यानी कि जो टर्मिनल पॉइंट था वह हमारे आथर स्टेशन के करीब था, जो कि ज्ञानपुरा तिरला होकर जाता है, तो वहाँ की ज़मीनें पूर्व में रेलवे के पास में आ चुकी थी। हालांकि अभी हस्तांतरण पूरी तरह से संपन्न नहीं हुआ है और किसान उस पर उपज ले रहे हैं, लेकिन जल्दी ही उस ज़मीन को रेलवे अपने कब्जे में ले लेगा। इसके अलावा उन सभी हिस्सों में और भूमि अधिग्रहण करने के लिए जो राजपत्र प्रकाशित कर दिए गए, सबसे पहले चर्चा करते हैं मतलबपुरा में नौ खसरों की कुल 3.461 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करने का राजपत्र निकला है। आप स्क्रीन रोककर जो खसरा नंबर है वह देख सकते हैं। इसके पश्चात ज्ञानपुरा की बात करें तो 32 खसरों की 8.216 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। यह हमारे छोटा उदयपुर धार परियोजना में भी इसकी कुछ जमीन पूर्व में ली गई थी। इसके पश्चात गंगानगर में 18 खसरों की 8.799 हेक्टेयर जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसकी भी कुछ जमीन छोटा उदयपुर धार रेलवे लाइन में गई थी। वहीं चिकलिया में 9 खसरों की 3.077 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करने की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हुई है। कल हमने आपको बताया था जो हमारी पीथमपुर की सुरंग है उसके पास भी एक और जो सेंट्रल पॉइंट है वहां पर 2 खसरों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। बंजारी जो कि इंदौर जिला महू डॉक्टर अंबेडकर नगर तहसील में आता है वहां के अधिग्रहित किए जाएंगे। इसके पश्चात बात करते हैं रानीपुरा के 28 खसरों की 5.964 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा रही है और तिरला के 26 खसरों की 7.581 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा रही है। तिरला में ही जो हमारी छोटा उदयपुर धार रेलवे लाइन है वह आकर लिंक होगी और इसकी वजह से तिरला जंक्शन बन जाएगा। पूर्व में धार के पास में यह लाइनें लिंक हो रही थी, इस वजह से धार को जंक्शन का दर्जा मिलता, लेकिन थोड़ा रेलवे के द्वारा अलाइनमेंट में बदलाव कर लिया गया, जिसके पश्चात जो हमारी दाहोद इंदौर रेल परियोजना है वह अब हमारे छोटा उदयपुर धार परियोजना से तिरला में लिंक की जाएगी। और जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है अगले वर्ष इस भाग का भूमि अधिग्रहण पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो उपलब्ध ज़मीनें हैं उन पर रेलवे कार्य शुरू करवा सकती है, जो कि छोटा उदयपुर धार रेलवे लाइन के अंतर्गत उनके द्वारा अधिग्रहित की गई थी। आथर से लगा के ज्ञानपुरा तिरला और इसके आसपास के गांवों से संबंधित है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही वहां पर कार्य शुरू करने की प्रक्रिया से संबंधित टेंडर जारी हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद कर सकते हैं अगले वर्ष इस परियोजना का कार्य हमको और तेज़ी से पूरे हिस्से में दिखाई देगा। सरदारपुर तक के हिस्से के टेंडर निकल चुके हैं और जिन पर की कार्य अगले वर्ष शुरू हो जाएगा। इसके पश्चात जो सरदारपुर से झाबुआ का सेक्शन है उसके बारे में भी अगले वर्ष स्वीकृति निकलकर सामने आ सकती है और उसके कार्य भी शुरू किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, दाहोद इंदौर रेल परियोजना की महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।